आदिपुरुष मूवी नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो गई है। ये मूवी बिना किसी प्रमोशन के रिलीज होगी, किसी को पता भी नहीं लगा कि नेटफ्लिक्स पर रिलीज भी हो गई है। तो आज इसके बारे में थोड़ी सी बात होगी, मूवी के बारे में कुछ त्रुटियां होगी, उनके बारे में हम आज बात करेंगे। तो सबसे पहला सीन जो मूवी का रहा वो था कि रावण जब ब्रह्मा जी से वरदान मांगता है, तो वो वरदान एक्चुअल में क्या था कि गरुड़, नाग, यक्ष, दानवर देवता, उनमें से रावण को कोई भी ना मार सके। लेकिन मूवी में ब्रह्मा जी बिना कुछ कहे, यानी कि रावण के बिना वरदान मांगे, उसे वरदान दे देते कि ना दिन में ना रात में, ना है जल में ना वायु में, धरती में ना आसमान में, ना किसी दानव से और ना किसी देव से उनकी मृत्यु हो, बस अस्त्र और शस्त्र रह गए थे। तो ये वरदान एग्जैक्टली हिरण्यकश्यप जी की तरह हो जाता है। अब सीन कट होता है और मेनी ईयर्स लेटर पर चला जाता है, जिसमें हम देखते हैं कि सीता मां, सॉरी माँ जानकी और शेष जी से हमार को अवगत कराया जाता है। उसमें भी शेष जी अपने जो हथियार थे उसकी धार को तेज करने लगे होते। इस सीन को रहने दो, आगे चलते है हमारे बाहुबली पर्वासन। अब ये सीन क्या हो रहा है कि अगले सीन में हम देखते हैं कि प्रभु श्री राम की, सॉरी मतलब हमारे राघव जी की झलक दिखती है, वो भी किसमें, एक्सट्रैक्शन स्टाइल में, वाह। और ये लॉर्ड ऑफ द रिंग्स का प्राणी, ऐसा लग रहा है अभी भी फ्रोडो को ढूंढ रहा है यहाँ पर। इस सीन में प्रवास से उनका जो धनुष बाण है वो काफी दूर है और उनको उठाने के लिए वो भाग रहे। अबे भाग भी किस तरह, कुपोषित कंकालों से, वाह यार प्रभु श्री राम का परिचय था ये। प्रभु श्री राम का, फिर से बोल रहा हूँ, प्रभु श्री राम का परिचय था ये, और आपने ऐसे दिखा दिया। मर्यादा तो किसी एंगल से भी नहीं लग रही इस सीन में, पंच मार रहे, लिटरली हैंड टू हैंड कंपेट कर रहे, वो भी किससे, कुपोषित कंकालों से। अब अगले सीन में चलते हैं। सीन क्या है, रावण जी रुद्र विनय बजा रहे, विनय मॉडर्नाइज जरूर लगती है पर वो तो लुक भी है यार। ये सीन अच्छा लगता है, अगर लुक को छोड़ दो तो सैफ अली खान जी की एक्टिंग अच्छी लगती है इस सीन में। जिस तरह वो मगन होकर विनय बजाते है ना, वो इम्पैक्ट छोड़ जाता है। अब जरा नेक्स्ट सीन में चलते है। इस सीन में रावण की हाइट शो की जाती है और वो भी ऐसा लग रहा है कुंभकर्ण से बड़ी हाइट है उनकी। रावण चल भी की स्टाइल में रहे, पुष्पा की स्टाइल में। अब सूर्पनखा जी अपना थोड़ा दुखड़ा सुनाती है, स्टोरी थोड़ी सी फ्लैशबैक में चली गई। और यहाँ हमारे प्रभास अन्ना भाई पोज मारते हुए नहीं कर रहे, बार लिटरली बॉडी शो कर रहे अपनी भाई आर्नोल्ड की तरह। बोरे आर्नोल्ड है क्या मेरे सामने, लप्पू से उठा है वो। मैं फिर से भर रहा हूँ एक बार, आप प्रभु श्री राम को शो कर रहे हो इस टाइम पे, प्रभु श्री राम को। ओम राज बी लाइक, मैंने तो दिखा दिया, देख ले भाई, तुझे देखने तो देख, नहीं देखने मत देख, ओटीटी में भी आ गई। और इस सीन में सूर्पनखा जी मोहित हो जाती है और राघव से अपने दिल का हाल बयां कर देती है। गैस व्हाट, क्या ही हुआ होगा, गैस करो। नहीं किया तो मैं ही बता देता हूँ, प्रपोजल रिजेक्टेड। अब कथा वापिस से वर्तमान में आ गई। अब अगले सीन में हमें रावण जी के तस्वीर देखने को मिलते हैं और फिर कथा अपने मेन मुद्दे पे आ जाती है, सीता हरण पर, सॉरी जानकी माँ के हरण पर। नाम के पर्यावचित रखने से नाम बदल जाते हैं क्या। अगले सीन में हमें सोने की हिरण देखने को मिलती तो राघव उस हिरण के पीछे और वो मायावी हिरण राघव की आवाज निकाल रहा है। आवाज सुनकर सीता माँ घबरा जाती है, सॉरी माँ जानकी घबरा जाती है और वो लक्ष्मण से कहते, सॉरी अनंत शेष से कहते कि जाइए, आप देखिए कि आपके भ्राता किसी संकट में तो नहीं है। अब उसके बाद लक्ष्मण रेखा वाला सीन, लक्ष्मण रेखा दहलीज के बाहर से लगाते थे लक्ष्मण जी, ना कि दहलीज के अंदर से। पर्यावचित नाम रखने से वास्तविक तो नहीं बदल जाएगा ना। शेष जी दहलीज के अंदर से तीर मार कर ना कवच बना लेते भाई जी, अगर ये सीन एज इट इज रखते ना तो काफी इम्पैक्टफुल रहता, पर क्या ही करे। अब लोकी भैया आप कुछ कहना चाहोगे। Yes, very sad. और अब रावण सन्यासी का रूप लेकर जानकी माँ की दहलीज पर आ पहुँचता है। देखो सन्यासी का लुक सैफ अली खान पर जच रहा है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। ये जो हरण वाला पूरा सीन है, इसमें जितने भी कन्वर्सेशन हुई है, साथ में जो भी डायलॉग बोले गए अच्छे है, पॉजिटिव है ये इस मूवी का। जिस चौखट से सन्यासी खाली हाथ लौटता है, सौभाग्य भी उस चौखट छोड़ देता है, ये डायलॉग अच्छा है यार मूवी में, सच में अच्छा है। रावण माँ जानकी का हरण कर लेता है, ओवरऑल ये सीन ठीक ही लगा मुझे। और उसके बाद जैसे ही सन्यासी से रावण की ट्रांसफॉर्मेशन हुई है ना, तो रावण का लुक पूरे सीन की वैल्यू गिरा देता है और पुष्पक विमान के नाम पे तो वैसे ही धोखा हो चुका है हमारे से। फिर रावण अपने सस्ते चमगादड़ पर बैठकर जानकी माँ को लेकर निकल पड़ते हैं। आयरनी तो देखो सीन की, राघव और शेष ये सब देख रहे होते, पीछे पीछे भाग रहे होते ये सीन देखकर। डेडपूल भैया आप कुछ कहना चाहोगे यहाँ पर। इस सीन में जटायु जी आए और जटायु जी गए, जिनकी आइडेंटिटी ही इस मूवी में चेंज करती है। राघव जी और शेष जी बस देख रहे, अरे भाई तीर मारो, क्यों रखे हुए तीर कमान आपने, ओ सॉरी ओमरावत भी लाई, ऐसे कैसे। फिर शबरी जी सुग्रीव जी का पता बता देती है और अगला सीन फिर अशोक वाटिका का। फिर रावण जी इस ब्रह्मांड का सबसे विख्यात डायलॉग मां जानकी से बोलते कि मेरे यहाँ कुछ दुख रहा है भाई, रावण है वो रावण। अब हनुमान जी के पास चलते हैं और भूजे तो जाने शुरू, एक आदमी 20 दिन से सोया नहीं है फिर भी वह स्वस्थ है, वाह अद्भुत अविश्वसनीय असाधारण असाराम बापू।
अरे हनुमान जी को समस्त वेदों का ज्ञान प्राप्त थे, और प्रश्न भी अनंत शेष जी पूछ रहे। मेकर्स थोड़ी क्रिएटिविटी तो दिखाते। पुल भैया कुछ कहना चाहोगे आप? That's just lazy writing. हाँ, जो आलिंगन हुआ वो दिल को सुकून दे जाता है हनुमान जी और राघव जी का। अब राघव जी वानरराज सुग्रीव से मिलते हैं। पहले तो मेरे को ये बताओ कि किस एंगल से वानरराज लग रहे। ऐसा नहीं लग रहा कि प्लेनेट ऑफ द एप्स से सीजर को ही उठा लाए। और जामत जी क्या ही बात करें इनके बारे में, रहने ही देते हैं। अब मलयुद्ध की तैयारी शुरू। तो पहली बार जब बाली और सुग्रीव के बीच युद्ध होता है तो श्री राम को समझ ही नहीं आता कि वो किस पर तीर चलाए, क्योंकि दोनों भाई एक ही जैसे दिखते हैं। तो इस कारण पहली बार सुग्रीव बुरी तरह हारता है बाली से, और जब दूसरी बार श्री राम सुग्रीव को भेजते युद्ध के लिए तो वो उन्हें हार बना के भेजते ताकि वो दोनों भाइयों में भेद कर पाए, और फिर जाकर श्री राम बाली पर तीर चलाते। अब मूवी के मेकर्स अपनी क्रिएटिविटी तो शो करेंगे ही, तो वो क्या करते है कि गिरते हुए पत्थर से सुग्रीव जी को प्रजा को बचाते हुए दिखा देते और बाली उनकी पीठ पर प्रहार कर रहा होता है। ये सीन बाली को लिटरली कायर शो कर देता है, जबकि बाली कायर बिल्कुल भी नहीं थे, उन्होंने रावण तक को परास्त किया था। जब बाली जमीन पर पड़े होते हैं तो वो प्रभु श्री राम से कहते हैं कि आपने उस पर बाण चलाया जो आपसे युद्ध नहीं लड़ रहा था, किसी और से युद्ध कर रहा था वो। ये कहां तक का न्याय संगत है? अब मुझे आप बताएं कि किस एंगल से आपको बाली कायर लगे। मेकर्स ने अपनी क्रिएटिविटी के नाम पर बाली को कायर शो कर दिया। डेडपूल भैया एक बार फिर आना यहाँ पर। That's just lazy writing. अब बढ़ते हैं अगले टॉर्चर पर, इंद्रजीत द फ्लैश। मानते हैं कि फ्लैश की शक्तियां हमारे हिंदू गॉड से इंस्पायर है, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप फ्लैश की तरह ही एज इट इज उसे शो कर दो। भाई इंद्रजीत है वो, नाम से लिख लिया है कि इन्होंने देवराज इंद्र को जीत रखा है। यहाँ ये कौन सा मौत का भगोड़ा तांडव खेल गिर रहे भाई, ये कैसी क्रिएटिविटी रही। और अब विभीषण जी रावण जी से कहते हैं कि आप जानकी को छोड़ दें। फिर रावण अपने 10 सिर से बात करते हुए, यहाँ पर जो 10 मस्तिष्क अपने अपने विचार प्रकट करते हैं वो अच्छा लगता है, पर फिर जैसे आप विचारों से बाहर निकल कर सिरों की आकृतियों को देखते हो तो आपके कपाल में पीड़ा उड़ जाती है। नेक्स्ट सीन हनुमान जी को उनकी शक्तियों का एहसास दिलाना। जामवत जी के डायलॉग इस सीन में लिटरली इम्पैक्ट डालते हैं, और सीन मिर्च से थोड़ा सा बेटर लगता ही है। और अब हनुमान जी चले लंका। अब अशोक वाटिका में उनका और जानकी माँ का जो मिला हुआ वो देख कर अच्छा लगा, पर अचानक आवाज आती है, तुम जानते भी हो कि मैं हूं कौन? धाकड़ासुर। मरोगे बेटा, अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। हनुमान जी रिप्लाई करते है, हाथ नहीं मैं धाकड़ा को ही धोऊंगा। पुल भैया प्लीज एक और बार आ जाइए। That's just lazy writing. और हनुमान जी धाकड़ासुर को धो ही देते है। और अब एंट्री होती है हमारे फ्लैश निंजा स्पाइडर की। नहीं लिटरली, पहले भाई साहब फ्लैश की पावर शो कर दी, और अब भाई साहब निंजा स्टार भी फेंक रहे और जो वेब में बदल जा रहे बाद में। क्रिएटिविटी हो तो ऐसी हो। बोल भैया एक और बार आ जाइए। That's just lazy writing. अब हमारे फ्लैश निंजा स्पाइडर हनुमान जी को जाल में बांध कर लंका ले जाते हैं, और लंका में हमें फिर से नॉस्टैल्जिया फील हुआ। क्यों? क्योंकि ऐसा लगा मल्टीवर्स के किसी कोने से हमारे प्यारे स्टार जी का कोई वेरिएंट हमें दिख गया। हैशटैग आयरन मैन इज बैक। नहीं लिटरली, सारे अस्त्र शस्त्र तो खुद ही बनाए होंगे रावण जी ने, वरदान तो मिला ही नहीं होगा कुछ। अब इस सीन की सत्यनिष्ठा ईमानदारी पर बात क्या ही करे। कपड़ा तेरे लंका का, यही डायलॉग ओटीटी वर्जन पर मिलता है। हनुमान जी की पूंछ में आग लगी तो लंका तो जलनी ही थी, लंका जल जाती है। और फिर हनुमान जी माँ जानकी से बात करते हैं और उन्हें चलने के लिए कहते हैं, पर जानकी माँ मना कर देती है कि मैं अपने राघव के साथ ही जाऊंगी। अब राम सेतु वाले सीन पर चलते हैं। देखो ये ज्यादा इम्पैक्ट तो नहीं डाल पाया, क्योंकि श्री राम 3 दिन तक समुद्र देव से प्रार्थना करते हैं और फिर भी समुद्र देव कुछ उत्तर नहीं देते, तो श्री राम क्रोधित हो जाते हैं। एट द एंड समुद्र देव उपाय बता ही देते हैं। समझ सकते हैं कि मूवी में पूरा नहीं दिखाना चाहते, क्योंकि 3 घंटे की मूवी है तो आप पूरा नहीं दिखा सकते हो, पर एटलीस्ट 3 डेज लेटर ये डाल देते तो काफी अच्छा लगता है। और अब राघव हमें स्पीच देते हुए दिखाई दे रहे होते, वो भी चक दे इंडिया के स्टाइल में। अरे प्रभु श्री राम है भाई, वो अब क्या कर रहे हो उनसे, वो किसी को ललकार है या नहीं, मर्यादा पुरुषोत्तम है, अब मर्यादा मुंह से थोड़ी बताई जाएगी। वो ललकार रहे डायरेक्ट, कह रहे कि आ रहा हूँ मैं न्याय के 2 पैरों से अन्याय के 10 सिर कुचलने। अब राम सेतु का निर्माण शुरू। अब हम अगले सीन में देखते हैं कि विभीषण जी और उनकी पत्नी श्री राम के पास आते हैं। अब चलते हैं फिर से अशोक वाटिका में। रावण फिर से जानकी माँ को मना रहा है। पुल भाई एक लास्ट बार आ जाओ फिर। That's just lazy writing. अगले सीन में हम देखते हैं कि राम सेतु का निर्माण पूरा हो चुका है और राघव वानर सेना को लेकर लंका चलते हैं।
फाइनली जय श्री राम सॉन्ग सुनने को मिला। इधर लंका में रावण चमगादड़ को खिलाते हुए फिर पता चलता है कि राघव की सेना में एक जासूस भी है। जासूस विभीषण का रूप धारण कर अब राघव से रणनीति जानना चाहता है। राघव को पता चल जाता है कि विभीषण के भेष में ये बहुरूपी। लिटरली राघव उसे गले से उठा लेते हैं। ये कैसे मर्यादा है प्रभु, हम तो पुल भाई को भी नहीं बुला सकता मैं। अरे वही जासूस है जो हिरन के रूप में था, जिसका वध पहले ही हो गया था, याद है ना? वो हिरन जिसका वध हो चुका था, सेम एक्टर है वही है। वो एक्टर भी चेंज नहीं किया, ओमराव जी इतना पैसा लगा ही लिया था तो एक एक्टर और ही खरीद लेते। देखो अगले सीन में राघव जासूस को माफ कर देते क्योंकि यार राघव है, उनका दिल बहुत बड़ा, इसमें कोई लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं है। और अंगद को बोलते हैं कि हमारे अतिथि को पूरा भ्रमण कराओ, हर एक से मिलाओ और इनकी अच्छे से खातिरदारी करो, फिर लंका छोड़ के आओ। अब चलते हैं अगले सीन में। अंगद जी सफेद झंडा फहराते हुए लंका में प्रवेश करते और अतिथि की इतनी अच्छी खातिरदारी की ना कि अतिथि को पिंजरे में ले गए। भाई क्या था वो सीन, फिर आपने राघव जी के वचन भी नहीं माने, ना आपने अतिथि की खातिरदारी की, ना उसका सम्मान किया, डायरेक्ट पिंजरे में बंद करके ले जा रहे हो। अब अंगद जी रावण से क्या कह गए, अंगद जी भी लाइक 20 कान है ना तेरे, ध्यान से सुन, आज खड़ा है कल लेटा हुआ मिलेगा। ये सब कहकर अंगद जी वहां से चल दिए। अब अंगद जी की भूमिका सबको पता है कि रामायण में किस तरह की थी, अगर वो चीज यहाँ पर शो कर दे तो क्या जाता मेकर्स का, पर नहीं अब तो यही दिखाएंगे। फाइनली मुझे लगा कि रणभूमि में कुछ अच्छा देखने को मिल देगा। अब रणभूमि में दोनों सेनाएं आमने सामने, फ्लैश निंजा स्पाइडर जानकी माँ को जंजीरों से बांध कर ले आ रहे। अब कृति सेनन प्रभास की तरफ भागते हुए, प्रभास भी कृति की तरफ भागते हुए, और इतने में हमारे सस्ते फ्लैश भी रेस में आ गए और कृति का गला काट दिया। अब प्रभास कृति को पकड़ते हुए, अब अगले सीन में पता चलता है कि हमारी प्रभास सन्ना के साथ प्रैंक हुआ है भाई, क्योंकि ये वही जासूस है जिसे हमने पहले देखा था, और ये वही हिरन था। ओमराव जी क्या ये मर चुका है अब? अगर नहीं मरा तो क्या मैं 7 ड्रैगन बॉल इकट्ठे करूं और शेलनंग से विश मांगू इसके मरने की? अब अगले सीन में हमारे रावण भाई अपने कुपोषित वाहन पर बैठ के उड़ते हुए, और लिटरली हमारे जो प्रभास सन्ना उनका पीछा करते भागते हुए भाग रहे भाई, इतना तेज भाग रहे कि फ्लैश उनके सामने कुछ नहीं लग रहा, ऐसा लग रहा कि अभी स्पीड फोर्स ब्रेक करने वाले ही है। टॉम क्रूज तो क्या ही भागता होगा मिशन इम्पॉसिबल जो मैं भाग रहा। अब युद्ध गजी का मैराथन घोषित क्यों नहीं कर देते इसको? अगले सीन में अब हमारे प्रभास सन्ना सस्ते और उसके बीच और बाकी सभी भाई मैदान में आ रहे पूरे एवेंजर्स के स्टाइल में। अब अगले सीन में हमारे इंद्रजीत भाई जी शेष जी को नागपाश से मूर्छित कर देते और अब अपने फ्लैश निंजा स्पाइडर जी कहते कि सवेरा होने से पहले निकल। अब जरा संजीवनी बूटी आर्क पर चलते हैं। पहली बात तो जब नागपाश से बचाने के लिए हनुमान जी संजीवनी बूटी की जगह गरुड़ महाराज को लेके आते हैं और लक्ष्मण जी और राम जी दोनों ही मूर्छित होते उस टाइम पर। क्रिएटिविटी के नाम पे कुछ भी दिखा रहे हो अमराव जी। तो बच्चों संजीवनी कैसी है? हनुमान जी और संजीवनी बूटी उसको सुबह लेके आ रहे, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। अब तथ्य के बारे में तो यहाँ पर बात ही ना करे वो ही बेटर रहेगा। अब आगे चलते कि रावण जी सांपो से मसाज लेते हुए, ये सीन बिल्कुल क्रिंज लग रहा है देखने में, इसको भी स्किप करो यार। और अब भाई साहब भविष्य जी भेद खोलते हुए, अब प्लान के अकॉर्डिंग इंद्रजीत को पानी में मार दिया जाता है, कुंभकर्ण आए, कुंभकर्ण फिर से गए और हमारे चमगादड़ रावण में बदल गए और आखिर में वो भी मर गए। मूवी खत्म, फिनिश, हेडेक खत्म। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली किसी वीडियो में।